Everyone, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का जो हिस्ट्री का पेपर सेकेंड है जिसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड उसका क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर है ये और ये क्वेश्चन पेपर है कि यूपी की किसी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है जिनका एग्जाम हो चुका है ठीक है तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं हुआ है तो आपके लिए ये बहुत यूजफुल वीडियो रहेगी क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे किस टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपको ये आइडिया हो जाएगा पैटर्न तो बिल्कुल सेम नहीं होता है और ना ही मत मतलब पैटर्न का मतलब है मेरा कि कब कि किसी में लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं किसी यूनिवर्सिटी में शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं पर जो आपको टॉपिक का आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आएगा ठीक है तो इसलिए ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी ये वीडियो तो ये टाइटल ज़रूर देख लीजिएगा आपके मतलब आपने जो लिया है पेपर टू में दो पेपर है ना ऑप्शनल दे रखा है तो आप अपने जो आपका सिलेबस है पेपर टू का उसका टाइटल आप जरूर देख लीजिएगा आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करा होगा तब उसमें होगा या फिर आपके एडमिट कार्ड में भी ये टाइटल दिया होगा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड ठीक है तो ये क्वेश्चन पेपर है हमारा तो हमें देख लेते हैं इसमें किस टाइप से क्वेश्चन हैं इससे हमें आइडिया भी हो जाएगा और हो, एक आध क्वेश्चन ऐसा हो भी सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए एक आध नहीं दो तीन भी क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है तो फर्स्ट सेक्शन में देख लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं हमें और ये क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें लिखा है कि सारे ही प्रश्न करने हैं और जो शब्द हों वो पचास शब्द में ही हों ठीक है तो क्वेश्चन है हमारा वेरी शॉर्ट का पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है पुनर्जागरण के बारे में लिखना है हमें इसमें ठीक है रेनाइसेंस के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु वाज द लियोनार्डो दा विंची कौन था लियोनार्डो दा विंची जो है विधान उनके बारे में लिखना है हमें इसमें और वेरी शॉर्ट में करके ही लिखना है ठीक है नेक्स्ट है हमारा यूरोप में धर्म यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन क्या था धर्म यूरोप में जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ था वो क्या था उसके बारे में लिखना है हमें नेक्स्ट है हमारा मार्टिन लूथर के में आप क्या जानते हैं और इसमें जो मार्टिन लूथर मार्टिन लूथर जो राइटर मतलब वो है, विधान उनके बारे में बताना है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन तीस वर्षीय युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे जो तीस वर्षीय युद्ध हुआ था उसके जो कारण थे ठीक है रीजन जो था क्यों हुआ था वो बताना है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैभव क्रांति के विषय में आप क्या जानते हैं वैभवपूर्ण जो क्रांति थी उसके बारे में आप क्या जानते हैं इसमें से सारे ही क्वेश्चन करने हैं हमें नेक्स्ट हमारा औद्योगिक क्रांति के प्रमुख आर्थिक, आर्थिक परिणाम बताने हैं क्या रहे नेक्स्ट हमारा है है रूसो, रूसो कौन था रूसो को बताना है कि वो कौन था नेक्स्ट है हमारा बस्तिल दुर्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है बस्तिल दुर्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है हमें बास्तिल दुर्ग पर ठीक है और नेक्स्ट है हमारा न, नेपोलियन बोनामार्ट कौन था नेपोलियन बोनामार्ट के बारे में लिखना है इसमें तो ये हमारे वेरी शॉर्ट के टेन क्वेश्चन थे और इसमें हमें सारे ही क्वेश्चन करने थे ठीक है सारे ही क्वेश्चन करने थे नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट है सेक्शन बी इसमें है हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और इसमें हमें अटेम्प्ट करना है एनी थ्री क्वेश्चन तीन क्वेश्चन लिखना है कम से कम और जो 200 सौ वर्ड्स के होना ही चाहिए ठीक है 200 हंड्रेड वर्ड्स के होना ही चाहिए तो हमारा फर्स्ट uh, क्वेश्चन है पंद्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए पंद्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप की जो राजनीतिक दशा थी ठीक है पॉलिटिकल कंडीशन जो थी उसका वर्णन करना है हमें ठीक है यूरोप की नेक्स्ट है हमारा पुनर्जागरण के महत्व पर प्रकाश डालिए पुनर्जागरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है फिफ्थ सेमेस्टर का क्योंकि इस हिस्ट्री का क्योंकि इसमें पुनर्जागरण के दो क्वेश्चन आ चुके हैं और ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोटोस्टैंड धर्म पर एक टिप्पणी लिखिए जो प्रोटोस्टैंड धर्म है उस पर एक टिप्पणी लिखना है नेक्स्ट है हमारा वेस्टफेलिया की संधि के महत्व को स्पष्ट कीजिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा औद्योगिक क्रांति के इंग्लैंड में होने के लिए जिम्मेदार कारणों की व्याख्या कीजिए इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके होने के कारण बताना है जैसे कि औद्योगिक क्रांति क्यों हुई थी पूंजीवाद का उदय हुआ था और नए नए उद्योग मतलब भाप के इंजन का निर्माण हुआ था इस वजह से हुई थी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति यही पाँच छः रीज़न है इसके उनके रीजन बताना है हमें ठीक है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति पर क्या टिप्पणी लिखिए इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति बताना है और औद्योगिक क्रांति भी बताना है ठीक है तो ये गौरवपूर्ण क्रांति पर क्वेश्चन है इस पर टिप्पणी लिखना है हमें इसके बारे में कुछ बताना है नेक्स्ट देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवनटीन एट्टी नाइन सत्रह सौ नवा सेवनटीन एट्टी नाइन ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक तथा आर्थिक कारणों की विवेचना कीजिए मतलब जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के जो सामाजिक और आर्थिक कारण थे वो बताना है हमें फ्रांस की क्रांति के ठीक है और इसके कारण सामाजिक भी थे और आर्थिक भी थे और बौद्धिक कारण भी पूछ सकता है क्वेश्चन में ठीक है तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और ये ये फ्रांस की क्रांति तो सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर में भी है आर्थिक क्रांति वो औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति आपको सोशलॉजी में भी मिल जाएगी तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन प्रथम कौंसल कौंसल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा किए गए सुधारों की विवेचना कीजिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा सेक्शन बी हो गया अब सेक्शन सी में देख लेते हैं इसमें सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और हमें सिर्फ एक क्वेश्चन करना है ठीक है आपकी यूनिवर्सिटी का पैटर्न अलग भी हो सकता है शायद कि दो लॉन्ग क्वेश्चन या तीन लॉन्ग क्वेश्चन आते हों आपको पता ही होगा किस टाइप का पैटर्न होगा ठीक है तो ये हमें फाइव वर्ड्स के अंदर ही लिखना है ना उससे कम हो और ना ज्यादा लगभग फिफ्टीन हंड्रेड वर्ड्स हो तो हमारा क्वेश्चन है पहला पुनर्जागरण से क्या तात्पर्य है मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये पुनर्जागरण से क्या तात्पर्य है इसकी मुख्य विशिष्टताओं की चर्चा कीजिए तथा इटली में इसके उद्भव के कारण बताइए मतलब इसके बारे में हमें चर्चा करना है इसकी विशेषताओं की चर्चा करना है और इसके उद्भव इसके विकास कैसे हुआ उसके में हमें कारण बताना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इंग्लैंड के कैबिनेट प्रणाली के विकास एवं मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व के सिद्धांत को समझाइए इंग्लैंड में जो कैबिनेट प्रणाली का विकास था और मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व सिद्धांत को बताना है इसमें सिद्धांत बताना है ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति ने यूरोप के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया की स्पष्ट कीजिए तो मतलब प्रभाव क्या पड़ा औद्योगिक क्रांति से वो बताना है यूरोप में तो पहला एक प्रभाव तो ये है कि वहाँ पर पूंजीवाद का विकास हुआ और ये राजनीतिक प्रभाव भी कह सकते हैं सामाजिक प्रभाव ये हुआ स्त्री की दशा सूत्री और नगरों का विकास हुआ नगरों के विकास होने से वहाँ के जो संबंध थे लोगों के वो प्राथमिक से द्वितीयक संबंध में परिवर्तन हो गए और सामूहिक जो हमारी सामूहिक एकता होती है वो कम हो गई ठीक है औद्योगिक क्रांति के कारण और मशीनों का आविष्कार होने के कारण बेरोजगारी बढ़ी क्योंकि मशीनों से काम करने लगे श्रमिक और जिससे बेरोजगारी होने लगी ठीक है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी नेपोलियन बोनापार्ट के पतन में इसकी भूमिका का, का परीक्षण कीजिए भूमिका बताना है और ये क्या थी ये बताना है ठीक है तो आप लोग ये देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके अगर एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो और आप तो चैनल के प्लेलिस्ट पे वाले सेशन में जाके देखेंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर की फिफ्थ सेमेस्टर की आपको एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहां पर आपको फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे ठीक है और अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसका पी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा तो वहाँ पर देख लेना थैंक यू फॉर वॉचिंग